कितने बच्चों से हम बढ़ाया, एडजस्टमेंट मार्क हो गई बच्चों सबकी। चलो सबसे पहले हम लोगों को गंगा और जमुना की ड्राइंग्स दी हुई है, फिर इसका लिखेंगे बेटा करंट के डेबिट में 1416 टू ड्राइंग्स, गंगा की ड्राइंग्स है 12,000, जमुना की 12,000। बच्चों इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है परचेज केतन, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे बच्चों टू परचेज, परचेज का अमाउंट है 1,04,000 एंड वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 5 ऑन इट, एडजस्टमेंट 5 लिख रहा है, परचेज ऑफ रुपीज 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ये जो पीछे वाला सेंटेंस है ना इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो तो वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होने वाला है, आपने परचेज किया गुड्स पड़े तो वो तो वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होने वाले, तो उसका पीछे वाले का कोई मतलब नहीं है। हमने 4,000 के गुड्स परचेज किए, हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। श्रीजा फर्स्ट में बोलो बेटा, परचेज में प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, अमाउंट है 4,000। नित्या इसकी सेकंड पे कहां जाएगी बेटा, क्रेडिटर्स में प्लस, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, जब क्रेडिटर्स आएगा तब अमाउंट देख लेंगे, अमाउंट है 4,000। बच्चों केरो बेटा में सबको आगे बढ़ेंगे, परचेज के बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न। बच्चों ये गुड्स रिटर्न का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ध्रुवी कहां जाएगा बेटा सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में सेल माइनस सेल्स जब आएगा तब का तब देखेंगे, सेल्स रिटर्न देखेंगे 1600। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स 1416 यात्री, ट्रेडिंग के डेबिट में ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, सागर सैलरी सैलरी भाई प्रथम पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस है भाई सैलरी, टू सैलरी इनर कॉलम में 18,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है ना वो लायबिलिटी होता है बेटा, सिर्फ सैलरी तो आप हर महीने पे करते हो स्टाफ को, हमारा एक्सपेंस है बच्चों सैलरी है 18,000, एडजस्टमेंट नंबर 8, लॉजिक चलाना देखता हूँ किसका दिमाग दौड़ता है। लोन ऑफ रुपीज 600 वाज गिवन टू एम्प्लॉय, हमने लिया नहीं लोन, हमने उनको लोन दिया है, लोन ऑफ रुपीज 600 वाज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, हमने लोन दिया एम्प्लॉय को 600 रुपए का, वो गलती से सैलरी में आ गया है। क्रिश बोल दो फर्स्ट में बेटा, सैलरी में से माइनस, गलती से सैलरी में आ गया है तो माइनस करेंगे wrongly recorded 600, 17,412। सेकंड में क्या लिखूं इसकी बेटा, कोई ट्राई कर सकता है, प्रथम बोल दो, वेरी गुड। असेट में क्यों बच्चों, क्योंकि आपने उनको लोन दिया है, वो पैसा आपके पास फ्यूचर में आएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे असेट में लोन टू एम्प्लॉय 600। बच्चों दोनों इफेक्ट क्लियर बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट विश्व ऑफिस एक्सपेंसेस, पीएनएल के डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस है 9,000 इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट 6 है उसके ऊपर, रिसीवेबल कमीशन इज 2,000 लास्ट में, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200, क्या करो प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा 200, 9,200 बाहर। और जिसकी सेकंड में क्या लिखूं बेटा, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस की लायबिलिटी, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 200। बच्चों मैं क्लियर हो रहा हूं सबको बेटा, आगे कैरेज इनवर्ड परम, ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है 3,000, उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में, नेट बैड डेट्स, बैड डेट्स के पहले डेटर्स ऑफ करेंगे, डेटर्स में आएगा बेटा असेट में लिखेंगे डेटर्स, इनर कॉलम में बच्चों 67,000, एडजस्टमेंट नंबर 3, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड ऑफ 3,000,
अभिषेक बेड डेट रिजर्व को क्या करूं बेटा? माइनस बी डी आर ए. कितना बच्चों बेड डेट रिजर्व? 3000 है ना, बाकी बचेगा 64,000. कंटिन्यू बेटा एडजस्टमेंट. एंड प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. कुछ डिस्काउंट रिजर्व हो माइनस बी आर डी एडजस्टमेंट. 5% मतलब 3200 माइनस करो बच्चों 60,800 बाहर. फर्स्ट में क्लियर बच्चों सबको बेटा? दूसरा इसकी सेकंड में कहां जाएगी बेटा? पीएनएल के डेबिट में बच्चों कौन सा फॉर्मेट? कार्ड बी डी टी प्लस बी डी ए प्लस बी डी आर ए टोटल माइनस बी डी आर टी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस. देखो है बेटा क्वेश्चन में डेबिट में बैड डेट्स 1400 बैड डेट्स एडजस्टमेंट नहीं है. बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट कितना बेटा? 3000 मतलब टोटल 4400. बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस कितना बेटा क्रेडिट में? 4400 माइनस 6000 माइनस 1600 बाहर लिखो ना माइनस 1600 क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे क्रेडिट में बाय टोटल 3200 माइनस डीआरटी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में है बेटा डिस्काउंट रिजर्व नहीं डैश करके 3200 बाहर. कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं बच्चों. डेटर्स के बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल. सो मेरा सेट असेट बिल्स रिसीवेबल 2000. बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश ऑन एंट्री असेट 3400. पूर्वजी बैंक बैलेंस 5600. उसके बाद इन्वेस्टमेंट कृष असेट. बच्चों इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है ना? मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है ऊपर 14,000. एडजस्टमेंट 7 क्या कह रहा है बेटा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट रुपीज 12,000. पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 14,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000. तो 2,000 क्या हुआ? लॉस. या डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते इन्वेस्टमेंट में. माइनस लॉस 2000, बाकी 12,000 बाहर जीरो बेटा में. अब ये लॉस है तो इसकी सेकंड में कहां जानी चाहिए? पीएनएल के डेबिट. लेकिन एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू है बेटा. आगे क्या लिखा है उन्होंने? एन एडजस्टमेंट डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो जो डिफरेंस है वो कहां से निकालना है अपन को? जनरल रिजर्व में से. रिजर्व हमेशा जाती है बच्चों लायबिलिटी में. लायबिलिटी में लिखेंगे जनरल रिजर्व माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2000. क्रेडिट में देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना बड़ा है? 9600 माइनस 2000 बाहर. बच्चों एडजस्टमेंट क्लियर सबको बेटा? क्योंकि वो पैसा आप जनरल रिजर्व में से निकालोगे ना बेटा तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा. ठीक है ना? अगर नहीं, अगर ये सेंटेंस पीछे वाला नहीं लिखा होता ना बेटा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो हम लोग पीएनएल के डेबिट में लिखते. लेकिन उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो भी लॉस है वो सारा पैसा हमको जनरल रिजर्व में से निकाल देना है, तो जनरल रिजर्व से माइनस कर देंगे. बच्चों क्लियर बेटा हमने सब लोगों को? पढ़ेंगे आगे बच्चों. कंटिन्यू. इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद मशीन ऑफिस. किसने बताया था? क्रिश आपने बताया था? यस बेटा मशीन असेट. बच्चों कितना डेप्रिसिएशन है मशीन में? मशीन लिखा इनर कॉलम में 30,000. कितना परसेंट है? 10% मतलब 3,000. 27,000 बाहर. डेप्रिसिएशन की सेकंड में श्रीजर पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000. मशीन के बाद बिल्डिंग लिखते हैं. असेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग. कितना अमाउंट है बच्चों बिल्डिंग का? 24. और इसमें नीचे कितना डेप्रिसिएशन है? 10% मतलब 2400. तो 21,600 बाहर. ड्यूटीज की सेकंड इफेक्ट बेटा पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग.
अमाउंट में 2400। बच्चों मैं कह रहा हूं सबको बेटा पढ़ो आगे। बिल्डिंग के बाद अब आते हैं क्रेडिट साइड पे बच्चों कैपिटल। जब है ना स्टूडेंट्स आप करंट अकाउंट बनाते हो ना बेटा, तो आपका जो कैपिटल है ना वो सीधा चला जाता है लायबिलिटी डायरेक्टली, बिना कुछ करे, बिना कोई एडजस्टमेंट की छेड़खानी करे, सीधा जो कैपिटल का अमाउंट है वो आप लायबिलिटी में लिख डालोगे। यहाँ पे लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल जब करंट अकाउंट हो तब गंगा जमुना। बच्चों गंगा का कैपिटल कितना है 30,000, जमुना का 36,000, टोटल 66,000 बाहर। मैं कह रहा हूं यहाँ पे बच्चों कोई कंफ्यूजन पड़ा किसी को। उसके बाद है करंट अकाउंट यात्री। करंट अकाउंट कहाँ लिखोगे बेटा? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। बच्चों करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1460 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गंगा का करंट अकाउंट का बैलेंस है 3000, जमुना का 2400, दोनों का क्रेडिट है। हाँ बेटा इंटरजून कैपिटल है क्या? हाँ नो प्रॉब्लम। बच्चों करंट अकाउंट में दोनों का क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने दोनों को क्रेडिट में रखा। इन केस अगर ऐसा होता कि गंगा का क्रेडिट और जमुना का डेबिट होता तो हम लोग क्या करते बेटा? गंगा का क्रेडिट है तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते और जमुना का डेबिट होता तो हम डेबिट में लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जमुना का जो भी अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट में जिस साइड बैलेंस दिया ना उसी साइड आना चाहिए। अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो क्रेडिट में आना चाहिए, अगर डेबिट में बैलेंस है तो डेबिट में आना चाहिए। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा कोई कंफ्यूजन? अब मुझे कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है चेक करो बेटा। कौन सा एडजस्टमेंट है? सेकंड नंबर। बच्चों ध्यान से समझना, 5% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। सागर फर्स्ट में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गंगा जमुना कितना परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों? 5%। 30,000 का 5% मतलब 1500 एंड 36,000 का 5% मतलब 1800, टोटल 3300 बाहर। प्रथम इसकी सेकंड इफेक्ट कहां लिखूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? करंट अकाउंट में क्रेडिट में 31,370 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 एंड 1800 बराबर। एडजस्टमेंट कंटिन्यू है बच्चों ध्यान से। एंड एनुअल बोनस ऑफ 2000 पेबल टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर को हम लोग एक साल का 2000 रुपए बोनस दे रहे हैं। विश्व ट्राई करो ना बेटा, फर्म हर पार्टनर को 2000 रुपए बोनस दे रहा है। वेरी गुड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू बोनस गंगा 2000, जमुना 2000, टोटल 4000 बाहर। और जिसकी सेकंड पे क्या लिखूं बेटा? करंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि उनको बोनस मिलेगी उनकी इनकम है, बाय बोनस 2000। जब ये बेटा सब लोगों को कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, उसके बाद सेल्स। परम सेल्स कहाँ आएगा बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स 1,84,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना बच्चों? तो 1,84,000 में से 1600 माइनस करो बेटा, आई थिंक 1,82,400 शायद, करेक्ट हो बेटा मैं? नाउ सेल्स के बाद गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब होता है परचेज रिटर्न। खुशबू परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न अमाउंट है 1200। प्लस माइनस करो बच्चों इसको बेटा 1,08,87 1,06,800 करेक्ट है? वेरीफाई कर लेने का बेटा, मैं तो ओरल कैलकुलेशन करता हूं। करें आगे। बेटेड रिजर्व वो गया बैंक लोन। मुस्कान लायबिलिटी बैंक लोन। कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों तो सीधा सीधा 13,500। उसके बाद क्रेडिटर्स। अभिषेक लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 36,000 जिसमें 4,000 अनरिकॉर्डेड परचेज है, टोटल 40,000 बाहर। बिल्स पेबल कुछ लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल अमाउंट है 1800। लूथरा लोन बोरोड
लायबिलिटी 4000 एंड जनरल रिजर्व इज ऑलरेडी डन। अब बच्चों नीचे एक बार एडजस्टमेंट वेरीफाई कर लेते हैं कौन सी एडजस्टमेंट बाकी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28600 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर कंसीडर करते हैं बच्चों क्लोजिंग स्टॉक में नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 28600 फर्स्ट इफेक्ट। ट्रेडिंग क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक है भाई, क्या कर रहे हो बाय क्लोजिंग स्टॉक 28600। सीरीज की सेकंड इफेक्ट का लिखो मैडम असेट्स पे क्लोजिंग स्टॉक 28600। ओके एडजस्टमेंट नंबर टू 5% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल हो गया, एनुअल बोनस हो गया, बैड डेट रिजर्व हो गया, डिस्काउंट रिजर्व हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, परचेज हो गया। सिक्स्थ नंबर एडजस्टमेंट रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ ₹2000। बच्चों रिसीवेबल कमीशन का मतलब है हमें कमीशन मिलेगा, मिला नहीं है। श्री फर्स्ट इफेक्ट बेटा असेट्स में रिसीवेबल कमीशन 2000। पूर्वजी इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा पीएनएल के क्रेडिट में बाय रिसीवेबल कमीशन 2000। बच्चों क्लियर हो गया सबको बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बाकी रह रहा है देखेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, पीएनएल का रेशियो 3:7 है। समझे बच्चों सबको बेटा क्या लिखा है बेटा पढ़ो। हमने एम्प्लॉय को लोन दिया है बेटा, वो पैसा हमको वापस करेगा, हमारे पास पैसा आएगा फ्यूचर में, इसलिए असेट हुआ। तो एक हम लोगों ने असेट में लिखा लोन टू एम्प्लॉय, और दूसरा ये गलती से किस पे आ गया बेटा सैलरी में, तो सैलरी में से माइनस कर दो बच्चों में। अब क्या करेंगे टोटल करना शुरू करेंगे बच्चों। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं पहले, क्रेडिट का टोटल करो 2,11,000, वही 2,11,000 यहाँ पे 2 GP 85,200 यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय जीपी 85,200। अब इसका क्रेडिट का टोटल करो बच्चों 88,800 टू एनपी क्या आ रहा है बच्चों देखो जरा 49,000 ये यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय एनपी 49,100। अब इसका डिफरेंस निकालो बेटा देखो एनडीपी क्या आ रहा है, ये 49,100 यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है एनडीपी का 41,800 दिस इज एनडीपी। और एनडीपी को आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों नीचे देखो 3:7 है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो 41,800 को 12,540 और इसका जनरल का 2,9,2,9,260 बराबर है। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय एनडीपी 12,540 एंड 2,9,260 टोटल करो बच्चों। वन नाइन और वही 1,9,040 इधर 31,372 बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 7,040 जमना का देखो 35,460 बच्चों ये डेबिट है तो डेबिट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखेंगे करंट अकाउंट गंगा जमुना, गंगा का 7,040 जमुना का 23,460 टोटल करो बेटा 30,500 शायद करेक्ट हो बेटा मैं। चलो अब टोटल करो दोनों का बेटा
क्रेडिट होता तो फिर असेट में लेके जाते और असेट का 1636 समझे बच्चों सबको बेटा कंप्लीट कर दो सम चलो हाँ बेटा पढ़ो।